अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। यहां पर पिछले साल केदारनाथ यात्रा पर आई महिला के साथ में पुलिसकर्मियों के छेड़खानी करने का शर्मनाक मामला सामने आया था। अब जांच के बाद में इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया। सोनप्रयाग कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है और केदारनाथ चौकी इंचार्ज मंजुल रावत और दारोगा कुलदीप सिंह, दो आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पिछले साल मई में ये घटना हुई है जिस पर अब कार्रवाई की गई। तो रुद्रप्रयाग में दो पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, यहां गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर नाले का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद में चीड़वासा के पास में अस्थायी लकड़ी का पुल भी बह गया। पुल के साथ में दो यात्री भी बह गए। पुल बहने से गोमुख की तरफ करीब 35 यात्री फंस गए, जिन्हें भोजवासा के पास में GMVN के गेस्ट हाउस में सुरक्षित रोका गया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस, SDRF और वन विभाग की टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही। नाले में बहे दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और अचानक पानी बढ़ने से नाले की चपेट में आ गए। देहरादून से खबर है, यहां पर रॉबर्ट्स केव में अचानक पानी आने से पर्यटक फंस गए, जिसके बाद में पुलिस, फायर ब्रिगेड और साथ ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल पर्यटकों को गुच्चू पानी से बाहर निकाला। करीब 12 से ज्यादा पर्यटक तेज बहाव के कारण फंस गए और काफी देर की मशक्कत के बाद में सभी को सकुशल निकाला गया। देहरादून में दोपहर के बाद में जबरदस्त बारिश हुई। कुछ देर ही बारिश हुई जिसके बाद में शहर डूबता हुआ नजर आया। सरकारी तंत्र की पूरी पोल खुल गई। राजधानी की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और जगह जगह पर जलभराव हो गया। अब हालात ये थे कि नालों का गंदा पानी तक सड़कों पर आ गया और कई जगह तो घरों में भी पानी घुस गया। ये हालात थोड़ी देर की बारिश के बाद में हुए हैं और हर बार बारिश के बाद में राजधानी का ऐसा ही हाल हो रहा है। मौसम विभाग ने कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया। पहाड़ में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसी बारिश के बीच में हल्द्वानी के कलसिया नाले के तेज बहाव में एक गाय कूद गई। हालांकि नाले के दूसरे छोर पर खड़े लोगों ने गाय को नाले से दूर करने की कोशिश की, लेकिन गाय इसके बावजूद भी नाले को पार करने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन तभी वह तेज बहाव की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि थोड़ा सा संघर्ष के बाद में नाले से सुरक्षित बाहर निकाल ली गई। हालांकि गाय नाले को पार नहीं कर पाई। हल्द्वानी और उसके आसपास के कुछ नाले जैसे हर बरसात मौत को दावत देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन नालों पर सरकार पुल नहीं बना पा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसाती पानी के इस जानलेवा बहाव के बीच हल्द्वानी से सितारगंज, चोरगलिया, खटीमा और नेपाल बॉर्डर तक जाने वाले लोग हर साल जूझते हैं। हल्द्वानी से चोरगलिया के बीच शेर और सूर्या नाले का उफान इसे पार करने वाले कई लोगों की जिंदगी ले चुका है, लेकिन फिर भी लोग इन नालों को इसी तरह क्रॉस करने को मजबूर हैं। ये नाला इतनी तेज से मैं बाइक लेकर आया और पूरी बाइक रपट गई मेरी, मैं भी रपट गया था और मैं बाल बाल बचा और बाल बाल बच के फिर ऊपर को चढ़ाई मैंने गाड़ी। दादा, यहाँ पे पुल बनना चाहिए और इसके लिए हर साल जो है बहुत लोगों की गाड़ियाँ बह जाती, कुछ लोगों को बचाना ही पड़ता है यहाँ पर। हालांकि इन सबके बीच पुलिस की ड्यूटी नालों के बीच 24 घंटे की है ताकि किसी की जान ना जाए। कुछ देर में जैसे पानी का बहाव देखते हैं इसको हम बंद कर देंगे दोनों ओर से, और हमारे DCR और हमारे जो कंट्रोल रूम है वहां से हमने अवगत करा दिया है। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा ट्रैफिक कुंवरपुर या हल्द्वानी से वहाँ डाइवर्ट कराएंगे और बाकी इधर हम चोरगलिया थाने से ही वापस कर देंगे बैरियर लगा के सारे वाहनों को। जाहिर है पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हुक्मरान अपना काम नहीं कर रहे जिन्हें इन जानलेवा नालों पर पुल बनाकर काम करना है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
पूरे उत्तराखंड में मॉनसून खूब बरस रहा है और अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 और 6 जुलाई को कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के लिए एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि 2 दिन भारी बारिश की आशंका है। और 5 और 6 जुलाई को गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि इसके बाद में 7 जुलाई से 11 जुलाई तक मौसम सामान्य रहेगा। लगातार जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक मिल रही है और आगे 2 दिन अच्छी एक्टिविटी है, विशेषकर कुमाऊं रीजन में ज़्यादा है तो वहाँ पर रेड में रखा है। इसके साथ जो गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून है, टेरी पौड़ी है, इनको ऑरेंज में रखा गया है कलर परसों के लिए। उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी। 7 से अगर मैं बात करूँ आगे तो 7, 8, 9, 10, 11 तक में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। मॉनसून और खराब मौसम का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। बारिश बढ़ते ही यात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। वहीं मौसम विभाग लोगों को जरूरी होने पर ही सफर करने की सलाह दे रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों से पत्थर गिरने, सड़कों पर मलबा भरने और नदियों में है और इसका व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब बिल्कुल यात्रा तो लगभग 20% रह गई है। पहले तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के आए भगवान के दर्शन करने के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अब एकदम से जैसे ही बारिश हुई तो यात्रा एकदम से ठप हो गई है। इस बार मई जून में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम आए, जहाँ सबसे ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक ये मॉनसून सीजन बीतने के बाद फिर संख्या बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग बरसात में लोगों को जरूरी होने पर ही कहीं आने जाने की सलाह दे रहा है। उत्तराखंड में भी पिछली बार आपको पता है 4.5 करोड़ का हमारे भोले लोग आए थे, तो उस वक्त हमारी यात्रा थोड़ा कम हो जाती है। आज के दिन 6-7 हजार आदमी रुद्रप्रयाग आ रहा है, केदारनाथ आ रहा है, तो ये एक रेगुलर फिनोमेना है और सितंबर के बाद से हमारी यात्रा फिर से तेजी पकड़ती है। जुलाई महीने के साथ ही अभी मॉनसून सीजन की शुरुआत हुई और ये सिलसिला करीब 15 सितंबर तक चलेगा, यानी अगले 2.5 महीने चार धाम यात्रा तो चलती रहेगी लेकिन बरसात के डर का असर यात्रा पर जरूर दिखेगा। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, News18 देहरादून। चारधाम यात्रा जैसे बड़ी धार्मिक यात्राओं के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। रेगुलेटरी अथॉरिटी की रूपरेखा बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार पूरी रिपोर्ट का आकलन कर इस दिशा में आगे बढ़ेगी। चुनौतियां हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक लाइफ लाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है, वो बढ़ना चाहिए। यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड खेल विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य में सभी 13 जिलों और जिले में भी 50,000 से ज्यादा आबादी वाले शहरों में खेल विभाग अत्याधुनिक बहुउद्देशीय हॉल और साथ ही खेल मैदान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खेल विभाग की समीक्षा मीटिंग के दौरान इसके निर्देश जारी किए। सीएम ने खेल विभाग को 10 दिन के अंदर इसका प्रस्ताव तैयार करने और 2 साल में इन्हें बनाकर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें हफ्ते में एक दिन बैग फ्री डे मनाने पर जोर दिया गया। साथ ही सीएम धामी ने नैतिकता आधारित शिक्षा देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने लड़कियों को शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि गर्ल्स हॉस्टल को बढ़ावा देने की बात भी सीएम ने कही। इसके अलावा सीएम धामी ने ट्रांसफर को लेकर भी नियम सरल करने की बात कही। सीएम ने मेधावी छात्रों को भ्रमण कराने की भी बात कही और टेक्निकल छात्रों को ज्यादा से ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट मिले, ये भी उन्होंने जिक्र किया।
देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों और स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें लगाई गई, लेकिन इनसे राजधानी स्मार्ट तो नहीं बन पाई, पर जनता के लिए जी का जंजाल जरूर बन गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। साल 2019 से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जोरों से चल रहा है। शहर पर कमांड के साथ निगरानी करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर करीब 295 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे शहर के सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें लगाई गई। लेकिन बीते 8 महीनों से शहर के आधे चौक चौराहों पर लगी स्मार्ट लाइट्स और कैमरे सिर्फ शोपीस बन गए हैं, जिससे अब जनता भी परेशान है। 8-10 महीने से ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा है, मार के भाग जा रहे हैं। लोकल लोगों के 4-5 यहाँ घरों के वालों के एक्सीडेंट हो गए हैं, दुकानदारों के एक्सीडेंट हो गए हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, कुछ पता नहीं चलता है। ट्रैफिक लाइट पिछले 8-10 महीने से खराब हो रखी है, बहुत ज्यादा समस्या है। 6-7 महीने हो गए, कॉल पे कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं। हमारे सबके घर है तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, प्रेशर और फ्रेश लाइट हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देहरादून में करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो किसी भी घटना के दौरान पुलिस की मदद करते हैं, मगर अब इनमें से आधे से ज्यादा बंद हैं। हालांकि प्रशासन ने जल्द ठीक करने का दावा एक बार फिर कर रहा है। इसमें हमारे कुछ एरियाज हैं जहां पे कि जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं और जो रेड लाइट्स हैं उनकी जो वायरिंग थी, उसमें रोड कटिंग के दौरान कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से वो अभी वर्किंग स्टेज में नहीं है। लेकिन हमारे ये कार्य जो है वो पीडब्ल्यूडी पीआईयू को दिया गया और कार्य गतिमान है। स्मार्ट लाइट और कैमरों से जहां राजधानी को स्मार्ट बनना था, लेकिन इनके लंबे समय से खराब होने से उल्टा परेशानियां बढ़ गई हैं। एक तरफ तो स्मार्ट सिटी का काम अब तक भी पूरा हुआ नहीं है, और वहीं जो काम हुआ था वो भी अब बर्बाद होने लगा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में पीड़ित पर ही कार्रवाई करने का एक हैरानी भरा मामला सामने आया है। यहां पर जिला पंचायत में तैनात इंजीनियर अनिल जोशी के शिकायत पर भले ही पुलिस और शासन ने महीनों तक कोई एक्शन ना लिया हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर पंचायती राज सचिव ने इंजीनियर अनिल जोशी को सस्पेंड कर दिया। शासन से हुई इस एकतरफा कार्रवाई से इंजीनियर संघ खासा नाराज है, और संघ ने न्याय नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। संघ का कहना है कि किसी भी शिकायत पर पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहां एकतरफा कार्रवाई की गई है। असल में ये विवाद तब शुरू हुआ जब जिला पंचायत अध्यक्ष के पति वीरेंद्र बोहरा ने इंजीनियर अनिल जोशी को मोबाइल पर धमकी देने के साथ ही गाली गलौज की थी, जिसका ऑडियो भी जमकर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद से अनिल जोशी ने वीरेंद्र बोहरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बोहरा के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अन्य सचिव पंचायत राज एससी सेमवाल ने पीड़ित को ही निलंबित कर दिया। हमारे जो अभियंता हैं उनको ही शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है, और जो उनके खिलाफ जो पत्र लिखा गया है जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, सिर्फ उस पत्र के आधार पर उनको निलंबन कर दिया गया, उसमें कोई भी जांच नहीं कराई गई। ऋषिकेश में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड और साथ ही टनल बनाने का ऐलान किया गया। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा आज ऋषिकेश पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि जाम से निजात के लिए नेपाली फार्म से ढालवाला तक पहले फेज में एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी और दूसरे फेज में ढालवाला से ब्रह्मपुरी तक टनल बाईपास बनाया जाएगा। टम्टा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और पहले चरण में करीब 1500 करोड़ से एलिवेटेड रोड बनेगी, तो दूसरे चरण में 700 करोड़ की लागत से 5 टनल बनाई जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ चारधाम यात्रियों और पर्यटकों को भी खासी राहत मिलेगी। हम राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा 58 है, इसमें ऋषिकेश बाईपास का निर्माण 2 पैकेज में 17.5 किलोमीटर का प्रस्तावित है, जिसमें नेपाली फार्म से श्यामपुर रेलवे क्रॉसिंग नटराज चौक होते हुए ढालवाला टी जंक्शन तक 10.5 किलोमीटर से ज्यादा का एलिवेटेड 4 लेन का हम निर्माण करेंगे, जिसकी लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। और ऐसे ही ढालवाला टी जंक्शन के ब्रह्मपुरी तक कुल 7.5 किलोमीटर, जिसमें 5 टनल भी हम बनाएंगे। अयोध्या काशी उज्जैन के बाद में अब हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर पर भी काम शुरू हो गया। इसके लिए बकायदा हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी का गठन किया गया। कॉरिडोर के तहत में इन दिनों डिटेल सर्वे के साथ ही व्यापारियों से भी बातचीत की जा रही है। हरिद्वार के देवपुरा से लेकर भूपतवाला दूधाधारी
चौक और साथ ही हर की पैड़ी के आसपास के एरिया के साथ साथ कनखल का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल किया गया। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन से लेकर तपोवन और त्रिवेणी घाट के आसपास के पूरे इलाकों में भी कॉरिडोर के दायरे में होंगे और कंपनी 22 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने कॉरिडोर को लेकर प्रेजेंटेशन देगी और पूरे कॉरिडोर पर करीब 5000 करोड़ का खर्च आएगा। दोनों कंसल्टेंट्स अपना काम कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन भी चल रहे हैं, सर्वे वर्क भी चल रहे हैं। अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन 22 तारीख को हम लोग करेंगे। वित्त की व्यवस्था की भी डिफिकल्टी होती है, उसके अलावा एग्जीक्यूशन में भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आते हैं, तो ये फेसेस में किए जाएंगे और पहले फेसेस में हाई इम्पैक्ट और लो डिस्टर्बेंस वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसको लिए जाएंगे। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज 3 साल हो गए हैं। सीएम धामी ने जनता का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए लगातार काम करने हैं और सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश के लिए वो काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लगातार विकास काम हो रहा है और उनका फोकस सशक्त विकसित उत्तराखंड पर है। सीएम धामी ने पहली बार 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, दूसरी बार उन्होंने 21 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, सरकारी भर्तियां और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है, गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 3 साल में सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना तो ठोस नकल विरोधी कानून भी लागू किया। पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को भले ही ऑल वेदर रोड पर तब्दील कर दिया गया हो, मगर कई सालों की जद्दोजहद के बाद भी 3 बाईपास वजूद में नहीं आ पाए थे, लेकिन अब बॉर्डर की लाइफलाइन में बाईपास बनाने की कवायद तेज होने लगी है। करीब 1200 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने से सफर तो आसान हो ही गया है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। 150 किलोमीटर लंबे इस अहम हाईवे में 3 बाईपास सालों से प्रस्तावित हैं। तीनों बाईपास के बनने से जहां शहरों में ट्रैफिक का लोड कम होता, वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ती, लेकिन इन बाईपास को बनाने में 8000 पेड़ों की बलि चढ़नी थी, जिसे देखते हुए एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी। मगर अब पेड़ों को बचाने के लिए नया प्लान तैयार हो रहा है। प्लान के मुताबिक ज्यादा पेड़ वाली जगह पर टनल की मदद से बाईपास तैयार होने हैं। चंपावत जो बाईपास है उसकी स्वीकृति हम अगले कुछ टाइम में हम करा लेंगे, जो मुडियानी से तिलौन तक करीब 9.5-10 किलोमीटर की है। ऐसी लोहाघाट बाईपास की मंजूरी होगी जो देवराड़ी बैंड से पाटन पाटनी तक करीब 6.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें टनल भी होगा।